हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बैनर्जी। सॉरी, काफ़ी टाइम बाद मैं कोई ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग एक्चुअली बनाना था बट बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो नहीं बना पाया था। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे एक महाराष्ट्र के जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे हिल है, डेंस फॉरेस्ट है, जंगल सफारी है और बहुत कुछ है। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। जगह का नाम भी बताऊँगा, बजट बताऊँगा, कैसे आने का है बताऊँगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद देउल कोल्हापुर से। फिर कोल्हापुर से हम यहाँ पे आएंगे, इस फॉरेस्ट में आएंगे, यहाँ पे सब चीज़ देखेंगे, फिर आपको धीरे धीरे सब चीज़ें बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जहाँ पे खाना जितनी तीखी और यहाँ की बोली उतनी मीठी। यहाँ का महाराष्ट्र जो एसेंट होता है आपको पूरे महाराष्ट्र में या कहीं पर भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ की बात करने का तरीका अलग ही तरीके से होता है। इसके अलावा कोल्हापुर दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक तो कोल्हापुरी खाना और दूसरा कोल्हापुरी चप्पल। इसके अलावा कोल्हापुर में एक और चीज बहुत फेमस है जिसके लिए लोग कोल्हापुर बाहर से आते हैं, कोल्हापुर अंबाबाई महालक्ष्मी टेम्पल। आज हम लोग कोल्हापुर महालक्ष्मी अंबाबाई टेम्पल में जाएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, फिर वहां से मैं आपको आगे लेके चलूंगा उस हिल स्टेशन पे। कोल्हापुर से कनकोली के बीच में दाजीपुर जगह है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो चलिए कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल देखते हैं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं दाजीपुर राधा नगरी वाइल्ड सेंचुरी। एक्चुअली कोल्हापुर से आप अगर दाजीपुर आएंगे तो दो तरीके से आ सकते हो। एक आप अपना टैक्सी या खुद का गाड़ी से आ सकते हो, या तो आप यहाँ से एसटी बस ले सकते हो जो अराउंड आपको 2-2.5 घंटा लेती है आपको दाजीपुर पहुँचाने के लिए। कोल्हापुर से दाजीपुर का जो डिस्टेंस है इज़ अराउंड 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर आपका यहाँ से दूरी है। और दूसरी तरफ जो उतरता है रास्ता, वो रास्ता जाती है कनकोली जो 40 किलोमीटर है दाजीपुर से। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग दाजीपुर में है एंड ये दाजीपुर का जो गांव देवी का टेंपल है, और पीछे का व्यू देखोगे ना तो लिटरली ये नीचे से पूरा कनकोली एंड मालवण तक आप इसको यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा व्यू है और ये टेम्पल है जहाँ पे हम लोग आए। एंड फॉर्चुनेटली एक ही जगह है जहाँ पे आपको मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा, बाकी कहीं पर भी मोबाइल का नेटवर्क मिलता नहीं है। ठीक है, आपका फ़ोन डेड रहेगा जब तक आप यहाँ से निकलोगे नहीं। यहाँ से राधा नगरी मेन अपना ये आता है ऊपर हिल पे जहाँ से पूरा डेंस फॉरेस्ट है, हम लोग उसमें भी चलेंगे। और दूसरी तरफ आप जब कनकोली उतरते हो तो पौंडा घाट से आपको कनकोली उतरना रहता है, वो 40 किलोमीटर है। तो अगर आप बाई रेल आ रहे हो तो आप कोल्हापुर से या कनकोली से दाजीपुर आ सकते हो। एक सुपर जगह है। चलिए दाजीपुर राधा नगरी वाइल्ड सेंचुरी के अंदर, जंगल के अंदर जाएंगे। ये जो सफारी है, जंगल सफारी, ये अराउंड 5 घंटे की होती है, 4 से 5 घंटा लगता है इसके अंदर। और जो गाड़ी का कॉस्ट होता है वो होता है 1800 रुपये, उसमें एक बंदा जाए या 8 बंदे जाए आपका गाड़ी का कॉस्ट फिक्स होगा, वो 1800 रुपये होगा। अगर एक दो बंदे हैं तो वहाँ पे दूसरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके साथ आप अपना शेयर करके आप जा सकते हो। और जो फॉरेस्ट परमिट होता है पर पर्सन वो 50 रुपीज़ होता है। तो अगर दो बंदे हैं और जीप ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट आपका हो जाएगा 1900 रुपये। ऐसे ही आप जितने भी और 6 बंदे बढ़ाएंगे तो 400 रुपये आपका 8 बंदों का परमिट और 1800 रुपये आपका गाड़ी, ये आपका 2200 रुपये का कॉस्टिंग आता है 8 जन के लिए। और ये सफारी जो रहती है 4 घंटे की रहती है। ये 28 किलोमीटर का टोटल अपना ये रहता है, रनिंग रहता है। एकदम टॉप हिल में जाएंगे और वहाँ से हम लोग रिटर्न आएंगे।
जाएगा वो, ठीक है कुछ कर नहीं सकते। अबे सबसे तो चमक अपना ही जीव रहा है जंगल सफारी। इसके अलावा वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर जो दाजीपुर और राधा नगरी का कंप्लीट डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन सेंटर से मैंने वीडियो लिया था, वो आपको एंड में दिख जाएगा। यूजुअली दाजीपुर में आपको कोई स्टोर्स, कोई दुकान या कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। छोटे मोटे चाय के दुकान यहाँ पे मिलेगी। एक MTTC का यहाँ पे स्टे का ये है, जहाँ पर नाइट का कॉस्ट आता है अराउंड 1150 रुपये। आप वो ले सकते हो, रह सकते हो वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे रहना है। अदरवाइज़ आप कोल्हापुर या कनकोली से आप एक दिन में आके फॉरेस्ट विजिट करके आप वापस भी जा सकते हो। रहना है तो आप यहाँ पे रहिएगा, और यहाँ पे जो गाँव देवी टेम्पल है हिल के ऊपर, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। पूरे दाजीपुर में आपको नेटवर्क कहीं पर भी नहीं मिलेगा, उस खाली टेम्पल में आपको मिलेगा।